इस वीडियो में जानेंगे 2019 के क्रिस बम्स्टेड और 2023 के क्रिस बम्स्टेड में कितना डिफरेंस है, तो इन 4 सालों में इन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, तो हर एक पोस्ट का कंपैरिजन देखेंगे और देखेंगे क्या है डिफरेंस पहले का और अब में, और आगे 2024 के मिस्टर ओलंपिया में इनका क्या प्लेसिंग रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर ये वीडियो पूरी जरूर देखना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको वीडियो का अपडेट लगातार मिलता रहे। फ्रंट डबल बाइसेप्स की बात करें तो यस, आपको इसमें डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसमें आपको देखने को मिलेगा इनके लैट्स, लैट्स में इन्होंने साइज पुट ऑन किया है और लेग्स भी बड़ी लग रही हैं 2019 के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल आप फिजिक देखेंगे तो आपको साइज ज़्यादा बेटर लगेगा इस बार के क्रिस बम्स्टेड का, और हर साल ये साइज पे काम करके आते हैं और साइज बड़ा लेके आते हैं, तो 2019 में भी जीतने के लायक फिजिक थी इनकी और उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत शानदार फिजिक थी इनकी। इन्होंने ब्रियोन एंसली को हरा दिया था जो कि 17-18 में इन्होंने जिन्होंने बीट किया था क्रिस बम्स्टेड को, तो 2019 में अच्छी प्रोग्रेस करके आए थे और इन्होंने ब्रियोन एंसली को हराया था, और अब के क्रिस बम्स्टेड 2024 के तो बहुत बड़ा डिफरेंस है साइज का भी और कंडीशनिंग भी अच्छी है। तो भाइयों 19 की बात करें तो कंडीशनिंग ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ क्वार्ट्स में ज़्यादा बेटर कंडीशनिंग है 2023 में, बाकी साइज़ आप देख सकते हो साइज पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। ऊपर से जब आप देखते हो कंडीशनिंग तो दोनों में ही आपको इक्वल ऑलमोस्ट कंडीशनिंग दिखती है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो इस बार का क्रिस बम्स्टेड है उनकी कंडीशनिंग भी और साइज भी, और अभी अपकमिंग ईयर्स तक उनको बीट करना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा इनकी फाइट देखने में। रेमंड डीनो इनके टॉप कंटेंडर होने वाले हैं। और अगर सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो इनका बैक से आया है। बैक में आप साइज सबसे पहले तो देखो लैट्स का, तो लैट्स का साइज बहुत ज़्यादा ग्रो करा है इन्होंने, शोल्डर बैक से देख सकते हो, ट्राइसेप्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे इनकी बैक में 2019 और 2023 के कंपैरिजन में। और ये 4 साल में इन्होंने हर साल 2020, 2021, 2022 तीनों साल जो बैक लेकर आए हैं वो बेटर, हर साल बेटर लेकर आते हैं, और इस बार सबसे बेस्ट हमको देखने को मिली 2023 में, और अब जो होगा 2024 अक्टूबर में मिस्टर ओलंपिया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस लेकर आते हैं। वैसे अभी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यही फिजिक उनको जिता देगी, बिकॉज जो रेमंड डीनो है उनको अभी बैक पे काफ़ी काम करने वाला है, तो अभी फिलहाल इनको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अभी फिजिक जो है इनकी बहुत ज़्यादा अल्टीमेट दिखाई दे रही है। फ्रंट पोज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, जो एब्डोमिनल थाई पोज है इसमें आपको सिर्फ आपको लैट्स ज़्यादा थिक डेंस दिखेंगे, चेस्ट डेंस दिखेगी, बाकी क्वाड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। यस क्वाड्स ज़्यादा बड़े हैं बट उस टाइम की फिजिक भी बहुत अल्टीमेट थी, कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा साइज कम था, और अभी साइज लेकर आए हैं और हर साल इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, तो अभी ये बेस्ट। और 2019 के अगर हम बाकी एथलीट्स को देखें तो आप समझ जाओगे कि यार क्रिस बम्स्टेड 2017-18 हारने के बाद काफ़ी ड्रेस्टिक चेंजेस लेकर आए थे अपनी फिजिक में, साइज के साथ कंडीशनिंग लेकर आए थे, और ब्रियोन एंसली बीच में है, नो डाउट बहुत अच्छी फिजिक है, बट एक क्लासिक फिजिक की जो डिमांड होती है, जो ब्यूटी होती है ना, वो 2019 में क्रिस बम्स्टेड प्रॉपर लेकर आए थे और बहुत शानदार फिजिक इन्होंने दिखाई थी। जॉर्ज पीटरसन की बात करें जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी फिजिक ही बहुत ज़्यादा शानदार थी और बहुत ज़्यादा रिप्ड लेकर आते थे साइज़ के साथ, और वो अभी हमारे बीच में है नहीं, बट काफ़ी कुछ दिया उन्होंने भी बॉडी बिल्डिंग को। तो अगर आप बैक पोज देखोगे क्रिस बम्स्टेड का, तो बैक में ब्रियोन एंसली बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्म कर रहे थे, ये फोटो प्रॉपर नहीं है बट बैक बहुत अच्छी निकल के आती थी, बट जो क्रिस बम्स्टेड है वो लेग्स हैमस्ट्रिंग्स पे काफ़ी अच्छा काम करके आए थे, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था उनके जीतने का। एब्डोमिन विद थाइस, तो इस पोज में आप जॉर्ज पीटरसन को देखोगे तो काफ़ी रिब लग रहे हैं, बहुत बड़े एब्स दिखाई दे रहे हैं उनके, और जो क्रिस बम्स्टेड है वो इस पोज में खा रहे हैं सबको, और मिड सेक्शन बहुत स्मॉल वेस्ट वाइडर बैक, तो बहुत शानदार पोज मारते हैं ये एब्स विद थाइस का, तो ये पोज में भी वो सभी को हरा गए थे, और ये कुछ पोजेस थे जिनकी वजह से ये लोग क्रिस बम्स्टेड बीट कर पाए ब्रियोन एंसली को। और इनका फेवरेट क्लासिक पोज देखें तो यार वेस्ट देख सकते हो आप, और जो वैक्यूम क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल सेंसेशनल होता है, और प्रॉपर क्लासिक फिजिक निकल के आती है इनकी, और क्वार्ट्स देख सकते हो, बाइसेप्स, लैट्स, तो बहुत शानदार पोज मारते हैं ये वाला ये।
तो भाइयों अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है क्रिस बम्सटेड का सफर, और ऐसा लगता नहीं कि ये रुकने वाला है। और अपकमिंग 3-4 ईयर्स में मेरे को लग रहा है कि ये टाइटल अपना रिटेन करने वाले हैं। और रेमंड डीनो कहीं ना कहीं अगर बैक बेटर करके आते हैं, बैक पे साइज पुट ऑन करके आते हैं कंडीशनिंग के साथ, तो बीट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।